एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का टाइटल आपने देख ही लिया है, पर ये टाइटल मैंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया है, ये इस दिमाग से निकला है कि आप सब हमारी फैमिली को इतना प्यार दे रहे हैं, स्पेशली जैस्मिन को, और बहुत सारे लोग जैस्मिन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा था वो कमेंट सेक्शन में खुद रिप्लाई कर सकती है, जो भी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं वो उनको बता सकती है। तो इसका जवाब था कि पहले तो मुझे आप बताओ कि आप मेरे बारे में कितना जानते हो। तो ये कितनी बार मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें सर से पैर तक जानती हूँ और मैं तुम्हें 9 महीने कोख में रखा है, तो मुझे जो तुमने नहीं बोला वो भी मुझे पता होता है। तो मुझे तो देख लेते हैं कितना पता है आपको। सब माओं को पता होता है, स्पेशली अपने बच्चों के बारे में सबको पता होता है। हाँ, वो अलग चीज है कि इनकी चॉइसेस चेंज होती रहती है, तो उसमें हमें पता नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीजें मैं इसके बारे में जानती हूँ। तो आज मेरा टेस्ट हो रहा है, वो भी लाइव टेस्ट हो रहा है। मैंने इसे बोला भी था कि मुझे कुछ हिंट तो दे दे ताकि मेरी इंसल्ट ना हो ज्यादा, लेकिन इसने मुझे कोई हिंट नहीं दिया। वी हैव टू बी वेरी वेरी फेयर, नो चीटिंग। तो अभी आपके सामने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके सामने मैं फटाक से जवाब दूंगी। लेट्स सी, तो शुरू करते हैं। मेरी बहुत इंसल्ट होने वाली है मुझे पता है ये जान बुझ के वैसे वाले क्वेश्चन पूछेगी जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं होगा। नहीं, मुझे पता है, मैंने वो चीजें आपको कभी ना कभी बताई हैं, तो मैं वही पूछूंगी। Okay, चलो लेट्स सी। ओके, तो मैं रूल्स बता देती हूँ सबको। तो हम दोनों, ये हमारे पास कॉपीज हैं और ये मार्कर्स हैं, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी और अपने अपने आंसर्स हम इस पे लिखेंगे, टू बी फेयर, ताकि ऐसा ना हो कि मैं मम्मा को जिताने की कोशिश करूं या हराने की कोशिश करूं या एनीथिंग। तो मम्मा को दो चांसेस मिलेंगे, तो इनकेस मम्मा का आंसर गलत होता है तो मैं उनको एक और चांस दूंगी, और अगर वो सही हुआ तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं अपना सही आंसर दिखा दूंगी। और दिस एंड दैट क्वेश्चन में एक ही चांस मिलेगा ऑब्वियसली, बिकॉज उसमें दो ही ऑप्शन होंगे, तो मुझसे कोई एक ही ठीक होगा। सो लेट्स गो। ओके, आर यू रेडी? आर यू नर्वस? तो टोटल 20 क्वेश्चंस है हमारे पास, उसमें से आपके मिनिमम 15 तो सही होना चाहिए। इतने? आप भी बहुत सब जानती हूँ। 10 क्वेश्चन हाफ। ले ले ले, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। चलो ठीक है, नहीं नहीं 12 क्वेश्चन। 15 तेरी ना मेरी। 15 12 मैं 16 कर दूंगी। 12 मैं 17 कर दूंगी। ये क्या है यार, मैंने आपको बता दिया 15 क्वेश्चन, आप बताइए फेयर है क्या? यस। नहीं, यस वो तो आपकी साइड ही लेंगे। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है खुद पे? क्यों है? 15 जवाब क्यों दे सकते हैं? 15 जवाब बहुत ज्यादा जवाब होते हैं। पासिंग मार्क्स भी 100 में से 33 पासिंग मार्क्स होते हैं। यहाँ पे तो मुझे भरोसा है आप, तो 75% वाला पास हो रहा है। ओके, व्हाट इज माय फेवरेट कलर, मतलब करंट फेवरेट? ठीक है, मैं दो लिखूंगी। अब ये क्या होता है करंट फेवरेट, जो मेरे साथ डिस्कशन चलती है हमेशा, मैं तो वही लिखूंगी ना। मतलब अभी करंट फेवरेट जो है वो बताना है। रॉन्ग? कैसे? ये मतलब ये है ये, बट करंट बचपन से लेके अब तक ब्लू था और आज चेंज हो गया। नहीं है, ब्लू है, बट मैंने पूछा करंट फेवरेट। ऐसा भी होता है कि हाँ, मतलब जो करंटली ज्यादा फेवरेट चल रहा है। अब ये मैं कैसे आइडिया लगाऊंगी, थोड़ा हिंट तो दो। लास्ट चांस है, ये जल्दी करो, जो आपको लगता है कि आजकल मैं ज्यादा, जिसकी मैं बात करती हूँ या जो मैं ज्यादा पहन रही हूँ। ये तो चीटिंग है। मैंने बोला वो करंट फेवरेट। मैं दो कलर लिखूंगी जो ज्यादा पहन रही है आजकल। हाँ, अगर वो गलत हुआ। मैंने दो ही लिखे हैं, तो आप दो लिख दो, देखते हैं आपका कोई एक भी सही हुआ तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगी। वाओ, नाइस, करेक्ट। आजकल ज्यादा ये ब्लैक पहन रही है, लेकिन रेड की भी इसने एक दो बार मेरे से बात की है, लेकिन ब्लू तो इसका बचपन से फेवरेट था। हाँ, वो है फेवरेट, पर मैं करंट फेवरेट की बात कर रही हूँ। मेरा फेवरेट फ्लावर कौन सा है, और इसके बारे में हमने काफी बात की है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने बात ही नहीं की जैसे इतनी बात हुई मेरे पास। जून मत बोलो, आपको पता है मैंने बात की है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ मम्मा। अच्छा, कब बात करी इतना बता दे। अच्छा, वो बता दोगे तो आपको पता लग जाएगा। कितने टफ क्वेश्चंस पूछ रही है। कितना सिंपल है यार ये, किसी ने मुझे गिफ्ट भी किए थे वो क्लास। चलो, इतना बड़ा हिंट दे दिया अब तो मैंने, अब तो भी अभी भी आपको पता नहीं लगा तो फिर तो बहुत ही बुरी बात है। क्या लिखा है ये, ट्यूलिप? बिल्कुल ही गलत, ये तो हमने कब देखे हैं, मैं तो जिंदगी में देखे ट्यूलिप्स। लास्ट चांस, वेरी बैड, वेरी बैड। आई एक्सपेक्टेड आपको पता होंगे, अपनी बेटी की फेवरेट फ्लावर्स नहीं पता आपको। इजीएस्ट टू राइट? नो,
फ्लावर्स आर ऑर्किड्स। मुझे कभी तूने बात नहीं की इस बारे में, ऐसे क्या क्वेश्चन है ये, को क्वेश्चन ढूंढना। फेवरेट सीजन, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मम्मा बिल्कुल ही गलत यार। आपको हुआ क्या? मदर नोज नथिंग अबाउट मी, आई मस्ट टेल यू। ओ गॉड, और इसके बाद पता नहीं कितनी बार हमने कॉन्वर्सेशन करी मम्मा, कितनी बार। जस्ट टू I'm too shocked. तुझे पता मेरा सीजन कौन सा है? That is not the question. The question is this. मेरा समर लिखना है। Yes. समर क्यों, मेरे को पता क्यों ध्यान में आया, मुझे याद आया, ये हमेशा कहती है कि मुझे विंटर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि इसमें पहनने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। हाँ, समर्स में बहुत सारे ड्रेसेस होती है, बहुत सारे कपड़े yes. तरह के पहन सकते yes. हैं, तो एकदम से स्टक किया मेरे माइंड में कि हाँ समर सीजन इसका फेवरेट हो सकता है। ओके, माय फेवरेट प्लेस टू शॉप, इट कैन मतलब ऑनलाइन भी इंक्लूडेड है। ओके, वो मुझे पता है। Yay! Yes! Right! Now, let's see. मेरा फोबिया क्या है? कल मैं और अब तक ये भी नहीं पता था कि इसका कोई फोबिया भी है। और कल मैं और उदय ये डिस्कशन भी कर रहे थे, मैं और मैं जान के की थी डिस्कशन, क्योंकि मेरे को पता था मैंने एक क्वेश्चन बीच में डालना है और मम्मा को शायद याद नहीं होगा, तो मैंने जान के एक बार डिस्कशन उदय के साथ करी भी कल आपके सामने, आप किचन में थे। फोबिया जिंदगी में कभी इसने मेरे साथ अपनी डिस्कशन नहीं की इस बारे में कि इसका कोई फोबिया भी, क्योंकि ये फोबिया रिसेंटली आया है बिकॉज ऑफ थिंग्स, ये फोबिया कल ही आया है, नहीं बना ये कल नहीं क्योंकि इसके पहले हमारी जब भी डिस्कशन हुई है सबको पता है कि मेरा फोबिया लिजर्ड है। इसका कोई फोबिया भी है, कोई फियर भी है, मुझे अभी तक नहीं पता था। उसके लिए हिंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, वो तो हिंट मैंने दे दिया आपको, तो आपको लग ही जाएगा पता, ये तो फॉर श्योर है। मतलब डर लगता है मुझे, बहुत बहुत डर लगता है। हाँ मतलब डर लगता है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुझे डर लगता है? किस, अच्छा किस उस पे है कि मतलब कौन सी चीज पे, थोड़ा सा हिंट दे देना। मतलब पिछले साल से वो फियर आया है। पिछले साल से? हाँ पिछले साल से। क्या इनको समझ आया है इतना कि ये ओ हो कर रहे हैं? यू क्लोज, यू वेरी क्लोज। ओके, आई विल गिव एक्सीडेंट से, आई विल गिव यू अ पॉइंट। स्पीड से तो मेरा सही था, मतलब हाँ सब बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आपको डर निकल जाना चाहिए, बट मेरे को नहीं पता कि मेरे को काफी टाइम तक डर लगता है कि मैं स्कूटी ड्राइव करूं भी या नहीं, और अगर मैं खुद भी कभी थोड़ी स्पीड करती हूं तो मैं एकदम से कम कर देती हूं बिकॉज़ मुझे लगता है कि पता नहीं कि गिर जाऊंगी या एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। वन थिंग आई कैन ईट एवरी डे। इसकी तीन चीजें फेवरेट हैं, मैं तीनों लिख रही हूं यहां। मैगी, चिकन पास्ता, चिकन पिज्जा, ये रोज बिल्कुल ही गलत है। चिकन मोमोज, दिस इज द वन थिंग आई नीड एवरी डे। पता तो है कि नहीं, ये एक ही चीज जिसके लिए मैंने पूरी मेहनत भी खुद की थी बनाने के लिए उसे। तो अब ये बताओ कि सही है कि नहीं, बोलो है कि नहीं ऐसा? हाँ है, सॉरी मैं भूल गई। हाँ, मेरा फेवरेट क्लोथिंग आइटम, यस वन पीस, वो मुझे पता है। हील्स और स्नीकर्स, क्योंकि कुछ पता है मुझे सब, क्योंकि छोटी हाइट। मैं करंटली कौन सी सीरीज देख रही हूँ और मेरी फेवरेट सीरीज कौन सी है ये नहीं मुझे आइडिया, क्योंकि इनकी रोज ही अपनी नई चलाते रहते हैं। मैं जो लिख देती हूँ जो मुझे पता है अभी कि ये देख रही है। करेक्ट, मेरी फेवरेट सीरीज है मनी हाइस्ट। मेरा पैशन क्या है?
आपको ये पता ही होना चाहिए, नेसेसिटी है ठीक है, ये मतलब मैं सारे पॉइंट्स काट दूंगी आपके अगर आपको ये ही नहीं पता होता। मुझे पता है। यस, कितनी बार कहती है मम्मा हो सकता है कि मैं सीए करना भी बीच में छोड़ दूं, अगर मुझे कोई एक्टिंग में चांस मिल गया तो मैं एक्टिंग लाइन में चली जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जिसमें आपको लगता है कि आपका ज्यादा इंटरेस्ट है आप करो। मेरा फेवरेट ईटिंग जॉइंट, याद रखो कि मैं क्या क्या चीजें ऑर्डर करती रहती हूँ। इतना क्या सोच रहे हो, उसका डिफरेंट है इसका डिफरेंट। यस, बर्गर पता है, बर्गर ही ऑर्डर करती है ये, और कुछ नहीं खाते ये लोग, मेरा बना हुआ हेल्दी खाते नहीं खाते। ओके, मेरी फेवरेट कार, मतलब मैं कौन सी कार बाय करना, फेवरेट कार नहीं बट मैं कौन सी कार बाय करना चाहती हूँ, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है मम्मा। मर्जी मैं पूछो मत, ऐसे लिखना है मैं बाय, और इतनी ज्यादा बात होती है इसके बारे में, तो अगर आपको ये नहीं याद ना आई विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। तुक्का, ओ तुक्का सही है, टू बी प्रिसाइज ऑडी Q5, क्योंकि पापा को पसंद है ऑडी Q5 एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू बाय इट फॉर हिम। ये नहीं मुझे पता Q5 Q4, मुझे इतना पता है कि ऑडी की बात जरूर ये लोग करते हैं कई बार। फेवरेट डॉग ब्रीड, हाँ ये तो सबको पता है, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पे कि इसको कौन सा डॉग चाहिए था और हम कौन सा लेके आए थे। डिमांड भी करेगी इस बर्थडे मुझे बीगल चाहिए। हाँ, मैंने बोला कि मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, कोई केक मत काटना, कुछ नहीं, सिर्फ एक बीगल। कोई डॉग नहीं आएगा, स्टेफी को भी कंपेनियन मिल जाए। आप सब जानते हो कि मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल भी, तो हम ले लेंगे ना। ओके, बीच या माउंटेन्स लिखो। यस, तो जब से ये गोवा जा गया है तब से कितनी बार बात कर चुकी है कि आई लव बीचेस, तो मुझे पता है। मेरी फेवरेट मूवी, इसकी फेवरेट मूवी घर का हर मेंबर जानता होगा, मैं तो जानती ही हूँ। ये जवानी है दीवानी और विवाह, यस, और ये हमें इसलिए पता है कि दोनों मूवीज हमारे घर में रिकॉर्डेड हैं। जैस्मिन रिपीट पे इनको देखती है, जब कुछ भी देखने के लिए नहीं होता तो ये यही मूवीज लगा के बैठ जाती है और हमें भी दिखाती है, खुद भी देखती है, और ईच एंड एवरी डायलॉग इसको इतना रटा हुआ है कि मूवी के साथ साथ हर एक डायलॉग बोलती है और हमारा जो देखने का मजा सारा किरकिरा कर देती है। मेरा फेवरेट एक्ट्रेस एंड एक्टर, एक्टर तो मेरे को पता है, रणबीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, आलिया भी है बट यार यू विल पॉइंट, सब कुछ पता है, देखा सब कुछ पता है, इससे पहले जो गलत है उनका थोड़ा बहुत तो चलता है। तो इन्होंने बोला था मैं कि 75% मार्क्स रखे इसने पासिंग मार्क्स, ये कहीं भी नहीं होता। मेरी फेवरेट बुक नॉवल है, चलो हिंट दे दिया मैंने आपको, मैंने आपको बोला भी था कि मैम प्लीज ये बुक पढ़ना बहुत ही अच्छी है और आप सबको भी पढ़नी चाहिए, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, मैंने आपको वो भी हिंट मुझे दिया, कुछ तो लिखो। इतनी बुक्स पढ़ती रहती है बंदे को आइडिया कैसे होगा, नो आई मुझे लगा कुछ लिखा है। फॉल्ट इन आवर स्टार्स, बताया था कि नहीं, हाँ बताया था, मैं भूल गई, हाँ जिस जिस बुक को पढ़ के तो बहुत रोई थी। हाँ, मैं कौन सा टैटू बनवाना चाहती हूँ, नाउ देयर आर टू टैटूज जो मैं बनवाना चाहती हूँ ठीक है, अब उसमें से एक भी बता दोगे तो मैं आपको पॉइंट दे दूंगी। मैंने दोनों लिखे हैं जो मैं बनवाना चाहती हूँ, तो एक तो मैं ड्रीम बर्न फ्रेंच यहाँ पे लिखवाना चाहती हूँ और डॉग के पॉज मैंने यहाँ बनवाए हैं ऑब्वियसली स्टफी के लिए। सो कौन सी ड्रीम डेस्टिनेशन है मेरी, ये तो सबको ही पता है, घर में चिल्ला चिल्ला के पता नहीं 100 बार ही बताती हूँ इनको, पेरिस। ये पापा उधर सो रहे हैं, पापा ने भी वहाँ से जवाब दिया कि पेरिस। मेरी फेवरेट डिजर्ट क्या है, या तुम्हारे ना अलग अलग नाम होते हैं, सो ऐसे नहीं पता चलता। ये क्या, आपको हिंट देती हूँ, इतना बड़ा तो डिड यू स्पेशली लेके आए थे मेरे लिए। हाँ, इतना बड़ा हिंट मैंने चीज ही बता दी है इनको, बड़ी सी चीटिंग चलती है। जॉनट्स, यस,
डोनट्स की स्पेलिंग गलत है, बट ओके. लास्ट, व्हाट डू आई प्रेफर, एंड वी हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन वेरी लॉन्ग अबाउट दिस, मैरी और लिव इन रिलेशनशिप. तो देखा आपने, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैंने बिल्कुल सही दिए हैं. और तो अब ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि मैं इसे सिर से पैर तक नहीं जानती हूँ. Okay. अब आप लोग भी ये चीज मानोगे कि सिर से पैर तक मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी है. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में आपके कॉमेंट्स का वेट मुझे हमेशा रहता है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.